में मतदान खत्म हो चुके हैं। दोनों चरणों में 25 लोकसभा सीट पर 61.60% मतदान हुआ। पहले चरण में 12 सीट पर 58.28% वोटिंग हुई थी और ये प्रतिशत बढ़ा है, तो वहीं दूसरे चरण के 13 लोकसभा क्षेत्रों में 64.7% मतदान हुआ। अब इंतजार है तो 4 जून का, जब नतीजे सामने आएंगे। इस खास रिपोर्ट में देखिए। थम गया शोर, खत्म हुआ मतदान। प्रत्याशियों का दिल है बेकरार। सबको है 4 जून का इंतजार। राजस्थान में पहले चरण के मतदान में वोटरों ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, लेकिन दूसरे चरण में इसकी कमी भी पूरी हो गई। दूसरे चरण में 13 सीटों पर जमकर वोट पड़े। 19 अप्रैल को पहले चरण की 12 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें 57.87% मतदान हुआ। वहीं दूसरे चरण की 13 सीटों पर 64.6% मतदान हुआ है, जो पहले चरण की तुलना में 6.73% ज्यादा है। पहले चरण में कम वोटिंग के टेंशन के बाद राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग ने वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं। हालांकि बात अगर सभी 25 सीटों की करें तो राजस्थान में 25 सीटों पर औसतन 61.6% मतदान हुए, जो पिछले साल से 5.11% कम रहा। दूसरे चरण में अच्छी वोटिंग ने खास तौर पर बीजेपी को काफी राहत दी है। वहीं कांग्रेस खेमे में कुछ तनाव है। माना जा रहा है कि बीजेपी का प्रदर्शन पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण वाली सीटों पर ज्यादा बेहतर हो सकता है। पहले चरण की कम वोटिंग से आलाकमान ने प्रदेश संगठन को दूसरे चरण की वोटिंग बढ़ाने को कहा था। हालांकि इस वोटिंग पैटर्न के संकेतों को दोनों ही पार्टियां डिकोड करने में जुट गई हैं। दूसरे चरण की 13 सीटों पर हुए मतदान की अगर बात करें, बाड़मेर में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुए। यहाँ इस बार 74.25% मतदान हुए। पिछली बार यहाँ पर 73.30% वोट पड़े थे। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर 56% मतदान हुए। पिछली बार यहाँ पर 63.44% मतदान हुए थे। अजमेर सीट पर 59.22% मतदान हुआ। यहाँ 2019 में 67.32% वोटिंग हुई थी। बांसवाड़ा सीट पर 72.24% मतदान हुआ। 2019 में यहाँ 72.90% मतदान हुआ था। भिलवाड़ा सीट पर 7.10% मतदान हुआ। पिछली बार यहाँ 65.64% वोट पड़े थे। चित्तौड़गढ़ सीट पर 67.83% मतदान हुआ। 2019 में 72.39% वोटिंग हुई थी। जोधपुर सीट पर 63.30% मतदान हुआ। यहाँ पिछली बार 68.89% वोटिंग हुई थी। कोटा सीट पर 70.82% मतदान हुआ। यहाँ पिछली बार 70.22% मतदान हुए थे। पाली सीट पर 56.80% के पार मतदान हुआ। पिछली बार यहाँ पर 62.98% वोटिंग हुई थी। राजसमंद सीट पर 58.01% मतदान हुआ। 2019 के चुनाव में यहाँ पर 64.87% वोटिंग हुई थी। झालावाड़ 12 सीट पर 68.72% मतदान हुआ। यहाँ 2019 के चुनाव में 71.96% वोटिंग हुई थी। जालौर में इस बार 62.56% मतदान हुआ। यहाँ पिछली बार 65.74% वोटिंग हुई थी। वहीं उदयपुर में इस बार 64.53% वोटिंग हुई। पिछली बार यहाँ 70.32% मतदान हुए थे। दोनों चरणों के मतदान के बाद 266 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। पार्टियों से लेकर प्रत्याशियों का दिल बेकरार है और सभी को बस 4 जून का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।